शपथ से पहले मोहन भागवत ने योगी को क्या क्या समझा दिया? आरएसएस ने समझा दिया है दिल्ली तभी जाएंगे जब आप ये काम करेंगे। शपथ के बाद क्या करेंगे योगी? मोहन भागवत ने सौंप दी है लिस्ट। संघ की पसंद बने मोदी, उन्हें पीएम की गद्दी नसीब हुई। अब संघ की पसंद बन गए हैं योगी, उनके लिए दिल्ली वाला रोडमैप तैयार हो रहा है। बीजेपी की राजनीति में विकास और हिंदुत्व दो धुरी हैं। विकास के बूते बीजेपी लोगों की जिंदगी बदलती है तो हिंदुत्व के जरिए संघ सभी जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है। पहले हिंदुत्व के इस जटिल मसले की चाबी अकेले मोदी के पास थी, अब यही चाबी सीएम योगी भी बनते जा रहे हैं। योगी ने जिस हौसले से अखिलेश का जाति वाला कार्ड फेल किया है वो संघ के नेताओं की पहली पसंद बन गए हैं। क्या आपने सुना है किसी राज्य के सीएम पद की शपथ हो रही है और उससे पहले संघ प्रमुख सीएम पद के दावेदार के साथ अलग से मीटिंग करें? ऐसी तस्वीरें और ऐसे मौके कम ही आते हैं और ये मुलाकात तब और भी अहम हो जाती है जब योगी के गृह जिले गोरखपुर में मोहन भागवत 4 दिनों तक डेरा जमाएं और 40 मिनट सिर्फ योगी के साथ बिताएं। आखिर क्या है वो मंत्र जो मोहन भागवत ने सीएम योगी को दे दिया है? संघ के तमाम दिग्गज इस वक्त एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर भी पूरा प्लान तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि योगी को एक लिस्ट मिल गई है जिससे उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल में पूरा करना है। योगी को 2024 के चुनाव तक हिंदुत्व के एजेंडे उठाने हैं, आक्रामक रहते हुए लागू कराने हैं। यूपी में लव जिहाद वाला कानून पारित कर दिया, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ध्यान देना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में तेजी लानी है, 2024 से पहले मंदिर का उद्घाटन कराना है। सीएम योगी को अब मथुरा में कृष्ण मंदिर वाली नीति बनानी है, चुनावी नारे को सच करना है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम माहौल इलाकों के लिए नीति बनानी है, हिंदुओं का डर खत्म करना है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, अब कश्मीरी पंडितों की वापसी के मिशन को आगे बढ़ाना है। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात माधव धाम में हुई। संघ के काम करने के तरीके को जो लोग जानते हैं उन्हें यह भी मालूम है कि संघ कभी निकट भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होता, वो लंबे मिशन पर काम करता है और ऐसे नेताओं पर बड़ा दांव खेलता है जिसमें संघ का एजेंडा पूरा करने का दमखम हो। संघ ने हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर योगी की विशाल छवि तैयार कर ली है। सीएम योगी पर जब जब संकट आया संघ उनकी पीठ पर खड़ा रहा। चुनावों से ऐन पहले लखनऊ से दिल्ली तक की खींचतान में योगी को संघ का आशीर्वाद प्राप्त रहा और इसलिए वो बेखौफ रहे। संघ अपने शताब्दी वर्ष के आयोजनों से पहले अपनी उपलब्धियों की लिस्ट लंबी करना चाहता है और इसमें योगी को बड़ी भूमिका निभानी है। शताब्दी वर्ष में संघ देश के लोगों को बताना चाहता है कि उसने जो कहा वो पूरा किया और जो अधूरे काम है उन्हें भी पूरा करने की तैयारी है। मोदी के साथ मिलकर योगी को यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला एजेंडा पूरा करना है। योगी को हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व की शक्ति बढ़ानी है, बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मसले को खत्म करना है, सख्त एक्शन लेना है, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का दर्द दूर करना है, उनका पुनर्वास करना है। संघ को योगी में वो विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आ रही है। 80-20 वाले फॉर्मूले को लेकर ऐलानिया तौर पर चुनाव लड़ने वाले योगी की जयकार देश सुन रहा है। लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे योगी का कद संघ में काफी बढ़ गया है। टीम योगी के एक एक चेहरे पर शाह मोदी से बात हो चुकी है। मोहन भागवत से योगी कैबिनेट पर खुलकर भले बात ना हुई हो लेकिन सूत्रों की माने तो इतना पैगाम तो जरूर दे दिया गया है कि टीम में वो लोग जरूर होने चाहिए जो योगी का हाथ मजबूत करते हो, हिंदुत्व के एजेंडे के लिए मर मिटने का हौसला रखते हो। उत्तर प्रदेश के हर गांव में संघ की शाखा का मैप तैयार हो गया है। योगी को अब युवाओं में जोश भरना है, इन शाखाओं में युवाओं किशोरों की तादाद बढ़ानी है ताकि इस शताब्दी वर्ष में अगले शताब्दी वर्ष तक की विजय की गारंटी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।